हेलो इंजीनियर्स, मैं एम के राज गुप्ता आपको एम के लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो है, मैं एक टॉपिक चुना हूँ। मैक्सिमम इंजीनियर लोग के पता ही रहता है, लेकिन कभी कभी लोग गड़बड़ा जाते हैं। इसके ऊपर मैं एक सोचा कि मैं भी एक वीडियो बनाऊँ। मैक्सिमम इंजीनियर लोग के पता रहता है, तभी मैंने कोशिश किया कि चलो यार बनाते हैं एक वीडियो। मैक्सिमम लोग को पता भी नहीं रहता, एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला भी साथ में बताएंगे। आप वीडियो में बने रहें और लेक्चर का मजा लें। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालें, कैलकुलेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ स्टील। हम स्टील को कैसे निकालते हैं, यूनिट वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या हम हेडिंग डाल देते हैं, साइज, और यहाँ पर डाल देते हैं वेट, ठीक है। वेट हमारा क्या रहेगा, मीटर में। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप मेरे चैनल पर जाइए, एम के लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी। मेरे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है। मैं अब चल रहा हूँ। जैसे कि हम लोग स्टील के बारे में जानते हैं, कुछ हम एमएम के बारे में बता रहे हैं, 6 एमएम, 8 एमएम। हमारा तो भाई स्टील एमएम में ही रहता है, आप लोग को पता ही रहता है। 12 एमएम, 16 एमएम, नॉर्मली हम यहाँ तक यूज करते हैं। इसे आगे निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बता देंगे, उस फार्मूला के बेस पे आप निकाल सकते हैं। देखिए, 6 एमएम का हमारा क्या होता है, जो 1 मीटर की बात कर रहा हूँ मैं, कितना मीटर की, 1 मीटर की बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमारा कोई स्टील है, टीएमटी बार है, टीएमटी बार हमारा 1 मीटर लंबा है, बिना तोले हुए हम कैसे पता कर सकते हैं, हमारा ये स्कोर बोलता है कि 1 मीटर वेट का टीएमटी बार का कितना होना चाहिए, 0.22 kg। 8 mm का कितना होना चाहिए, 1 मीटर का 0.395 मीटर होना चाहिए। 8 mm का कितना होना चाहिए, 8 mm का 0.395 आ गया। 10 mm का कितना होना चाहिए, 0.617 होना चाहिए। और 12 mm का कितना होना चाहिए, 0.888। एक कोई बिलिंग इंजीनियर है, बिलिंग इंजीनियर को मुंह पे ये पता होना चाहिए कि इसका यूनिट वेट क्या होता है और 1 मीटर का क्या होता है, कैलकुलेशन निकालेंगे। एक लेक्चर और बताएंगे फैब्रिकेशन, अगर कोई भी बंदा इंजीनियर फैब्रिकेशन का काम करता है तो हम बहुत से एमएस एंगल के यूज करते हैं, होलो पाइप का यूज करते हैं, तो उसका मेजरमेंट हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम उसका वजन निकालते हैं, उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये टीएमटी के बारे में था, तो मैं इस पर एक नॉर्मल सा ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। 580 और 20 mm का कितना हो जाएगा, 2.460, और 25 mm का क्या हो जाएगा, 3.85, ठीक है। हम हेडिंग क्या डाले थे, कैलकुलेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ स्टील, मतलब यूनिट वेट ऑफ स्टील में तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टील को, टीएमटी बार को। तो देखिए, साइज है, नॉर्मली हम यहाँ तक यूज करते हैं, हमारा वेट 1 मीटर वेट का हमारा इतना आएगा, जैसे 6 mm है उसका 1 मीटर का इतना हो जाएगा वजन, 8 mm है उसका 1 मीटर का वजन इतना हो जाएगा, 10 mm है उसका 1 मीटर का इतना वजन हो जाएगा, 12 mm है 12 mm के हमारा इतना वजन हो जाएगा, 16 mm है 16 mm 1 मीटर का हमारा इतना वजन हो जाएगा, 20 mm है 20 mm का 1 मीटर का वजन इतना हो जाएगा, और 25 mm है 1 मीटर का 3.850 हमारा वजन हो जाएगा। नॉर्मली हम इतना mm हमेशा साइड पे यूज करते हैं, इसलिए हम बनाए। अगर आगे जो भी हमारा mm का निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि वेट ऑफ स्टील, वेट ऑफ स्टील हम कैसे निकालते हैं भाई, एक फॉर्मूला आते हैं हम लोग जानते हैं, उस फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर बाय कितना, 162 इंटू लेंथ। डी स्क्वायर मतलब कि
डायमीटर ऑफ स्टील, डी स्क्वायर मतलब क्या होता है, डायमीटर ऑफ स्टील, और जितना लेंथ का निकालना है स्टील का, एल का मतलब हो गया लेंथ ऑफ क्या स्टील, लेंथ ऑफ स्टील यानी कि डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब क्या, डी स्क्वायर मतलब क्या बताएं, कि डायमीटर ऑफ, डी का मतलब हो गया डायमीटर ऑफ स्टील, एल का मतलब हो गया लेंथ ऑफ स्टील। जैसे डी स्क्वायर सिक्स है तो ये हो जाएगा सिक्स इंटू सिक्स बाय 162। अब कितना मीटर का निकाल रहे हैं तो 1 मीटर का, अगर आप 2 मीटर का निकाल रहे हैं तो 2 मीटर लिखेंगे, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। तो 25 mm के ऊपर जो भी निकालना है, जितना मीटर का निकालना है, जितना mm का निकालना है, तो इस फार्मूला के माध्यम से आप ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में था, टीएमटी के बारे में एक वीडियो में बनाऊंगा। हम बहुत लोग के मैं देखा हूँ, या मैं बिलिंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ फैब्रिकेशन में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो मैं एक फैब्रिकेशन पे आपको वीडियो बनाऊंगा, जो हमारे अलग अलग टाइप का एमएस एंगल हो गया, होलो पाइप हो गया, एमएस शीट हो गया, उसका हम कैसे निकालते हैं वो आपको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल एंकर लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करिए। जय। पीछे मैं वीडियो बनाया था, यहाँ पर स्क्रीन शॉट है, कृपया देखिए।